वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन को, टैनिंग को हटा के आपका स्किन को वाइटनिंग ब्राइटनिंग करने का घरेलू तरीका बताने वाली हूँ। इससे आपका स्किन कॉम्प्लेक्शन इंप्रूव होगा, स्किन लाइटनिंग होगा और स्किन पे पिगमेंटेशन मार्क्स, डार्कनेस, डार्क एल्बोस का प्रॉब्लम्स को भी हटा के आपको स्किन को क्लीन, क्लियर, हेल्दी और रेडिएंट बना देता है इस घरेलू नुस्खा। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल हनीस ब्यूटी एंड हेल्थ और साइड पे बेल आइकॉन को आप प्रेस करने से मेरी सारे लेटेस्ट वीडियोस अपडेट्स आपको जल्दी से मिल जाती हैं। तो इसके लिए बेल सिंबल को जरूर क्लिक कीजिए। इस रेमेडी के लिए आपको लेना चाहिए दही। मैं यहाँ पर ले चुकी हूँ 2 चम्मच दही योगर्ट। इस 2 चम्मच योगर्ट दही में 1 टेबलस्पून सैंडलवुड पाउडर, पिंच ऑफ कस्तूरी हल्दी वाइल्ड टर्मरिक और 1/2 टेबलस्पून ऑरेंज पील पाउडर ऐड करके 3 इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह मिक्स करना है। अगर आपके स्किन के ऊपर ज़्यादा ही पिंपल एक्नी मार्क्स है तो आप एक विटामिन ई कैप्सूल यूज़ कर सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। पिंपल एक्नी मार्क्स है तो उसको हटाना है तो विटामिन ई बहुत जल्दी से इफेक्टिव कर देता है। इससे चेहरे पे या बॉडी पे पिंपल एक्नी मार्क्स को हटा देता है, स्किन को क्लीन, क्लियर और इवन टोन बना देता है। इससे स्किन कॉम्प्लेक्शन इंप्रूव होगा, आपका स्किन क्लीन, क्लियर बना देता है। ये पैक फेस और बॉडी पे अप्लाई कर सकते हैं। इससे स्किन कॉम्प्लेक्शन इंप्रूव होने के साथ ही साथ स्किन टोन भी बढ़ जाता है। ये ऑल इन वन पैक है, इसको मैं हैंड्स के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। इससे स्किन कॉम्प्लेक्शन इंप्रूव होगा, स्किन ब्राइटन होता है और इस समर में ये आपका स्किन को कूलिंग बना देता है और स्किन को हेल्दी और रेडिएंट कर देता है। इससे कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, नुकसान नहीं है। आप मेक श्योर इस समर में जो भी फेस पैक या फिर अप्लाई करोगे उसको थोड़ा सा हल्का सा स्किन के ऊपर स्क्रब करते हुए अप्लाई करने से स्किन पे डेड स्किन सेल्स रिमूव होगा, स्किन पे एक्सेस ऑयल भी रिमूव होता है, स्किन को क्लीन, क्लियर बना देता है। जो फेस पैक जो सॉफ्ट होता है तो उसको आप स्क्रब करते हुए अप्लाई करने से स्किन पे कोई भी रैशेस नहीं होंगे, हार्श नहीं होता, स्किन स्मूथ और विजिबली ब्राइट दिख जाता है। और ये पैक काफ़ी सेफ है, इफेक्टिव है, इसको पूरा फेस बॉडी पे अप्लाई कर सकते हैं। इससे स्किन कॉम्प्लेक्शन इंप्रूव होगा और इससे स्किन टोन भी बढ़ जाता है। अगर आपके फिंगर्स पे रिंकल्स, फाइन लाइंस आ रहा है तो उस एरिया पे ज़्यादा स्क्रब कीजिए, इससे स्किन पे रिंकल्स, फाइन लाइंस भी दूर होंगे, आपका हैंड्स क्लीन, क्लियर होगा। ये सिर्फ हैंड्स के ऊपर ही नहीं, पूरे बॉडी के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ये ऑल इन वन पैक है, इससे स्किन वाइट एंड टाइटन होगा और स्किन कॉम्प्लेक्शन भी इम्प्रूव होता है। इसको अप्लाई करने के बाद आप 20 मिनट तक छोड़ दीजिए, फेस या बॉडी जहाँ भी आप अप्लाई करोगे इसको 20 मिनट तक छोड़ दीजिए। 20 मिनट के बाद स्किन को नॉर्मल पानी से वॉश करके पोंच लीजिए। इसके बाद ही करना है, इस तरह आप अप्लाई कीजिए। अप्लाई करके 20 मिनट्स के बाद वॉश करने से देख सकते हो आपका स्किन क्लीन, क्लियर और लाइटन बन जाता है। आप इसको हर दिन कर सकते हैं या टाइम नहीं है तो हफ्ते में 2 से 3 बार जरूर ट्राई करके देखिए। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल हनीस ब्यूटी एंड हेल्थ और साइड पे बेल आइकॉन को आप प्रेस करने से मेरी सारे लेटेस्ट वीडियोस अपडेट्स आपको जल्दी से मिल जाती हैं। तो इसके लिए बेल सिंबल को जरूर क्लिक कीजिए।